हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज हॉर्स चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर, आगरा में हूं। आगरा की हर गली में मोहब्बत घूमती है, क्योंकि ये शहर मोहब्बत का है। हमारे पीछे आप मोहब्बत की एक मिसाल देख रहे हैं, ताजमहल। और हम आपको जो मिलवाएंगे ना जिनसे आज, उनकी भी मोहब्बत किसी से कम नहीं है। और घोड़ियों का शौक उन्हें बस ऐसे ही लग गया कि बस ऐसी मोहब्बत हो गई कि अब तो उनको ना दिन में नींद आती है ना रात में नींद आती है। अब उनकी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें मोहब्बत हो गई है। जैसे मुमताज को शाहजहां से थी, उदयभान सिंह जी के नाती हैं, यूपी सरकार में मिनिस्टर हैं वो। और दादाजी को तो शौक नहीं था, लेकिन उनके नाती को शौक लग गया है, और शौक भी जबरदस्त है। काजल घोड़ी है, बेहद खूबसूरत है। आइए मिलते हैं शशांक जी से और देखते हैं उनकी काजल घोड़ी। चलिए आइए मिलते हैं। शशांक, क्या हाल है भैया? भैया तो यार ये कैसे शौक लग गया भैया यार तुम्हें? भैया शौक की क्या बात करूं, ये तो माँ के पेट से आया है। घोड़ा नहीं रखा, पर और जानवर बहुत पाले। अब ये बताओ, आपके जो दादा हैं उनका तारुफ कर दें, किस मंत्रालय? दादाजी अभी हैं माननीय योगी जी के सहयोगी मंत्री, चौधरी उदयभान सिंह जी। अभी राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा, तो मंत्री जी के नाती को ऐसा शौक कैसे लग गया? ये भैया शौक की क्या बात करूं, जानवर रखने का शौक तो जब से पैदा हुआ हूं तब से है। अच्छा, लेकिन घोड़ा कभी नहीं रखा। घोड़ा पहली बार रखा है और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है घोड़ा रखने का। लेकिन मैं तो यही कहता हूं, सबसे ये शौक नहीं कीड़ा होता है। कीड़ा कह लो इसे, एक कहते हैं ना कि ज्वारी को अगर जुआ खेलने को ना मिले तो तबीयत खराब हो जाए, घोड़ा ना मिले तो तबीयत खराब हो जाए। तो आपके कितने टाइम से है आपके पास ये? ये मेरे पास अभी एक महीने से है। अच्छा, ये घोड़ी, घोड़ी का नाम क्या है? इसका नाम है काजल। नाम भी ऐसा रखा है नजर न लगे। अच्छा, ये किस नस्ल की है? इसकी नस्ल के बारे में? मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी है और पुष्कर मेले से मैंने ली थी। अच्छा, पुष्कर मेले से। आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत घोड़ी है और जीन वीन भी लगा रखी है शशांक जी ने, जैसा कि। अच्छा, ये उम्र में क्या है? उम्र में भैया 4 साल। 4 साल की है ये, आप देख सकते हैं 4 साल की घोड़ी है, काजल है। हाइट की बात करें तो कितनी हाइट है? 60 के आसपास। 60 के आसपास है। जैसे आपने बताया था कि ये शायद प्रेग्नेंट भी है। हाँ जी, 5 महीने की क्या बात है। तो कुछ फाइनल उसका पता है क्या कि है भी? फाइनल तो देखो, मैंने अंदर घुस के तो देखा नहीं है, पर जिसने दिया है उसने बताया। ये तो विशेषज्ञ ही बता पाएंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं काजल घोड़ी है, हाइट इन्होंने जैसा कि बताया है कि भाई 60 के आसपास है। अच्छा, इसका एक पैर सफेद है ना? हाँ जी, एक पैर सफेद। तो बाल भौरी वगैरह कुछ जानते हैं? बाल भौरी मैं जानता नहीं हूँ। तो जब ये आपने ली तो आपने क्या देखा इसमें? मैंने इसमें बस एक खूबसूरती देखी और मैं इसकी तरह मोहित हो गया जैसे मैंने देखा। तो जब से ये घोड़ी ली है तो लाइफ में क्या चेंजेस आए आपके? लाइफ में चेंज, सारे काम धाम छोड़ के गौशाला में बैठा रहता हूँ। गाय भी है हमारे, गायों की भी सेवा चल रही है और घोड़े की भी सेवा चल रही है। देख सकते हैं कि शशांक जी को ऐसा शौक चढ़ा है और घर में मंत्री हैं दादा, और शौक भाई निराले हैं इनके। घोड़ी अभी इन्होंने ली है और आगे की इनकी, अच्छा आगे क्या सोचा है? और भी रखेंगे जानवर? बिल्कुल रखेंगे भैया, जानवर जरूर रखेंगे। तो चाल वाल का शौक है, चला लेते हो आप? चला लेते हैं। तो कैसी चल रही है अभी? बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही, तो खराब भी नहीं चल रही, और फिर सवार के ऊपर है, हम तो सवार हैं अभी। आप देख सकते हैं शशांक कैसी राइडिंग कर रहे हैं, पहली बार के हिसाब से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी। आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं शशांक बड़े जोर कर रहे हैं और बड़ी अच्छी घोड़ी चल रही है नए के हिसाब से, क्योंकि ये सवार भी नए हैं। तो उसको देखते हुए शशांक, पहले तो कभी बैठे घोड़ी पे? इससे पहले यहाँ एक पुलिस क्लब में सिखाते थे, तो मैंने 5-6 साल पहले 2-4 दिन घोड़ी पे बैठा। अच्छा, तो ये जो शौक है ये बिल्कुल पीक पे कब आया? ये पीक पे भैया आप लोग की वीडियोस देख देख के आया। वीडियो ने ऐसा कर दिया, 10 दिन तो घोड़े घोड़े देखे, नींद नहीं आई, तो मेला लगा हुआ था पुष्कर में, जाके और घोड़ी ले आया। वैसे ये शौक ऐसा नहीं होता है कि नया है, ये कहीं ना कहीं आपके दादा को भी ऐसा रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल, पूर्वज रखते थे 2-3 पीढ़ी पहले, 2-3 पीढ़ी से तो नहीं है। हाँ, उससे पहले जरूर घोड़ियाँ हुआ करती थी हमारे यहाँ, सुना है मैंने। अरे सुना है, लेकिन कर दिखाया आप। स्वभाव में कैसी है ये? स्वभाव में बहुत बढ़िया, आप देख लिए। हाँ वैसे तो बहुत बढ़िया। अरे ये कौन है आपके? ये मेरा भाई है। क्या नाम है भाई आपका? प्रणव चौधरी।
तो आपको भी लग गया शौक। तो अब ये इनका शौक देख के लगा है कि पहले से ही था? नहीं, इनका भैया का शौक देख के लगा है। तो कुछ चलाते हो? नहीं, डर अभी तो डर यार डर लग रहा है। देख सकते हैं आप, बड़ी खूबसूरत घोड़ी, एक पैर सफेद है ना इसका, माथे पे टीका है और आप देख सकते हैं कि एक पैर सफेद है। अच्छा ये बताइए, तो सेल वेल का कुछ है इरादा? भैया ऐसे कोई इरादा तो नहीं है सेल का। अच्छा कोई इरादा नहीं है, बस शौकिया है और बढ़ाने का सोच रहे हो? हाँ। चलिए आप बढ़ाएं और उम्मीद करते हैं एक से एक घोड़ा घोड़ी पाल। देख सकते हैं आपके भाई, शानदार घोड़ी है शशांक जी की और मंत्री जी के घर पर है आगरा में ये। और आगरा जैसे मोहब्बत के नाम से मशहूर है, वैसी इनकी मोहब्बत है काजल से। चलिए शशांक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं एक से एक अच्छे घोड़ा घोड़ी आप पाल। आपने वीडियो देखी और मज़ा भी लिया होगा, हमने भैया ताजमहल दिखा दिया घर बैठे बैठे और ऐसा सीन नाव के बीच में बैठ के दिखाया है। तो भैया फर्ज बनता है आपका, सब्सक्राइब कर दो चैनल हमारा, क्योंकि आपके बिना हमारी नैया पार नहीं होगी। ये भी नैया ही है लेकिन पार नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। नए लोग जो चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाके फॉलो करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा आपके सामने, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।